अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ने इतना उत्साहवर्धन किया और एकजुट होने का, ये पांच उंगली है, एक को कोई दबा गया तोड़ सकती है, लेकिन मुट्ठी बंध गई तो कोई तोड़ नहीं सकता। इसी तरह हमारे भाई ने कहा कि पंच परमेश्वर आज जा रहे हैं, तो इसी तरह अपने परिवार में भी एकजुट। देखिए हमारे शाह आलम जी भूख गए हैं, इनको दो डब्बा दीजिए ताकि नाश्ता कर लें। दो शब्द तो मैं तो आपको पहले से बुला रहा था, दो शब्द नहीं पांच शब्द बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था कि हमारे नजमी गांव के लिए मुख्य अतिथि हमारे नजमी भाई, जो हमारे साथ बहुत दिन पूरी नौकरी साथ में किए, मुख्य अतिथि कृपाल भाई उन्नाव में साथ रहे, बहुत एहसान था मेरे ऊपर। कभी कोई बात बुरी नजमी भाई कृपाल भाई को बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें, जाने में अगर कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें। त्रिपाठी जी हमारे 84 से हम लोग जवाहर भवन में साथ रहे, बड़े भाई ये सत्य बोलते थे हमेशा, हम कभी भागते थे तो पीएस पांडे साहब बुलाते इन्हीं की गवाही लेते थे, कहते थे साहब अभी गए कभी झूठ नहीं बोलते हो। रामचंद्र भाई तो साथ रहे इनका हर काम में, कोई भंडारा हो कोई पूजा हो हर एक में, फूल फुलवारी में इन्होंने बड़ा साथ दिया कैंपस में। रामचंद्र भाई देखो भाई सब लोग फूल फुलवारी बनाए रखना, ये रहे तो सब फूल फुलवारी खिलती रही। रामकिशोर भाई मुख्य अतिथि बड़े भाई हमारे लखनऊ डिवीजन में बड़ी मेहनती रहे सब लोग। आप पांचों लोगों से ये कहता हूँ बार बार कि कोई कष्ट हुआ हो जान के मिलते रेवाजी बोला तो आप लोग हम लोग को क्षमा करें। और एक आशीर्वाद आज हम कितने सब कर्मचारी महिला बहने हैं भाई हैं और जो लोग सेवानिवृत्त होकर बड़े भाई जी आए हैं, आप सब लोग को आशीर्वाद देकर जाइए कि हम लोग भी अपनी इज्जत से नौकरी 60 वर्ष आयु पूर्ण करें और इज्जत से सेवानिवृत्त हों। ये आप लोग को आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद। हमारे शाह आलम जी तो बड़ा उमदा बात कर दी कि आप तो सकुशल जा रहे हैं, हम लोगों को भी आश्वस्त कर जाइए। हाँ बहुत अच्छा कहा कि आप तो सकुशल जा रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन दे के जाइए कि कभी कोई बात हो तो हमको थोड़ा आश्वासन दीजिए। बहुत अच्छी बात रही। अब हम अपने इस महिला संबंध से कोई बहन अगर कुछ दो शब्द कहना चाहती हो तो कह लें, क्योंकि यह होगा कि हमारे भाई यही कह रहे हैं हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे अंकल हाँ आप बैंड बाजे वाले बजाएं, जन्मवासा का काम चालू है जो है और नाश्ता चालू, जब नाश्ता द्वार पूजा जब लग जाती तो बाजे वाला बजाता है, लोग कहते जल्दी जल्दी नाश्ता करो ताकि एक पैकेट खत्म हो तो सब चालू होते तो बैंड बाजा बजना चालू हो जाए और इस बीच में नाश्ता और जो ये है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन इस बीच में हमारे रामचंद्र जी के बालक सुंदरकांड, बड़ा सुंदर कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि दो शब्द कहें। इसके बाद हम अपने वरिष्ठ भाइयों से भी अनुरोध साझा करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनके तजुर्बे हमारे लिए काम आए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, मुझे नाम नहीं पता है कि कौन है, मैं सभी लोगों से मुख्य अतिथि मानता हूं, सभी लोग हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक शायरी है जो मैंने अभी तैयार करी थी उस अटैचमेंट के लिए, सभी लोगों के लिए, पांचों लोगों के लिए, हमारे सभी पिताजी के समान है। तो गदगद कर से वंदन करता हूं, गदगद कर से वंदन करता हूं, आपके चरणों के धूलि की चंदन करता हूं और मेरी महफिल की सितारों की हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को इस सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं, सस्ती रहे खुशियां, सस्ती रहे खुशियों की महफिलें, हर हंसी इतनी सुहानी रहे, सस्ती रहे खुशियों की महफिलें, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी इतने खुश रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। मैं आज जितना बोलू उतना कम है कि मेरे पापा ने अपने खुशी के तक करके हमें खुशी थी। आज आपकी बारी है आनंद देने की, हैप्पी रिटायरमेंट होता है। मैं बहुत खुश हूं कि आज
मेरा अपना रिटायरमेंट है। अब आप एक हफ्ते में एक दिन नहीं, वो मेरे साथ हम इसी दिन रहेंगे। और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। एक स्पीच और है पापा जी और सभी साथियों के लिए, आज से आप मुझे नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। अभी तो आप 10 बजे आते थे, शाम को 6 बजे आते थे और शायद मैक्सिमम समय आप ऑफिस में देते थे और आप हमारे लिए शांत रहेंगे। तो इस एक स्पीच और है, स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट योर लाइफ, स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट योर विथ बिजी, स्टार्ट डूइंग दी थिंग एंड यू आर नीडेड, स्टार्ट डूइंग एन अफेयर्स कंट्री, स्टार्ट प्लानिंग योर रिएक्शन। अब आपको आज से प्लान बनाना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक आप रूटीन था कि डॉक्टर से ड्यूटी आएंगे, 5 बजे जाएंगे, तो बेटा लेट हो गया, मैं बात नहीं आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक है, ये सब अब आपको रूटीन में आना होगा। तो इससे है और फिर है स्टार्ट प्लानिंग, आपको स्टार्ट मीटिंग और फिर नई वापिस होगी आपकी, अब आज से आपकी स्टार्ट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नई मीटिंग स्टार्ट होगी और नई वापस तैयार होंगे। अभी तो केवल ड्यूटी थी आपकी, अब आज से आपको सुबह सोचेंगे कि मैं सुबह टहलने जाऊं, शाम को टहलने जाऊं, कुछ लोगों से मिलने जाऊं या कहीं यात्रा करने जाऊं, तभी लोगों से मुझे अपनी मित्र आप लोग करिएगा। और स्टार्ट वर्सल फैमिली लाइफ टूगेदर, आप गेट टूगेदर पार्टी अभी तक मेरे पापा के साथ मेरे साथ बहुत बार एक बार दो बार किए होंगे, अब हो सकता है कि हर हफ्ते में एक बार करें। तो बता चलते हैं आज आज खाने के लिए होटल पर चलते हैं। अभी तक 7 साल में मैंने जब मेरे आज मैं की सामने गई है एक दो बार गए होंगे, भाई प्लीज थोड़ा देर जाइएगा। और स्टार्ट करने का मैं तो होटल स्टार्ट थिंकिंग लाइफ विद एंड हैप्पी रिटायरमेंट ऑल ऑफ यू। आई एम सर, आज सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने अच्छे अच्छे तैयारी की और मुझे बोलने का मौका दिया, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। काफी सुंदर हमारे रामचल के परिश्रम का फल और इनके तप का फल इनके पुत्र आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर हमारे इस तरह से कोई बात अपनी कहना चाहे तो पुनः आमंत्रित करता हूँ। वैसे द्वार पूजा लग ही चुका है, बाजा बज रहा है, अगर इसमें से कोई कहना चाहे तो कहें। उत्कर्ष की वाणी को तो सुनिए, अभी हमारे बालक ने कहा रामचंद्र के कि ये जीवन समाप्त और अगला जीवन शुरू, तो अब उसके लिए हम सबको लिए प्रेरणा देकर के गए बालक। अब हमारे उत्कर्ष की पापा ये बहुत अच्छी बात है, आज मैं पापा रिटायर होते तो मैं घर पर होता, आज पापा घर पर नहीं तो मैं बाहर, तो मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन में कि लखनऊ में अपना कुछ स्टार्टअप करूं ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। यह सुंदर व्यवस्था। या अब आप हमारे कोई भाई और अपनी उद्गार देना चाहते हैं, हमारी महिला बहने कोई तो एक सुना दे कोई बात, महिला वर्ग से कोई सुनाने को तैयार नहीं है। चलिए राखी दिवाली सुना दी, एक दूसरे को देख रहे हैं। चलिए अब हम नाजिम राव से कहते हैं कि अपने अनुभव साझा करें। आज का दिन जो है तो बोलता हूँ, अभी अभी इसको दो चार फिर सोचता हूँ कि